ये सब लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट पे हूँ, जो साइट ऑफिस है उसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ कर दिया गया है। मैं थोड़ा सा विज़िट करवा देता हूँ साइट का कि ओवरऑल यहाँ पे इस वक्त डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। ये फॉर द टाइमिंग साइट पे जो मशीनरी है उसकी मूवमेंट, यानी कि रेगुलर मूवमेंट जो मशीनरी की, वो स्टार्ट कर दी गई है और इस वक्त साइट पर ये स्टेटस है। इस वक्त यहाँ पर साइट ऑफिसेज की प्रिपरेशन जारी है। अभी फॉर द टाइमिंग कंटेनर ऑफिसेज बनाए जा रहे हैं, जो प्रॉपर ऑफिसेज हैं वो बाद में एस्टेब्लिश किए जाएंगे। ये जी लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट इस वक्त इस पोजीशन में शेयर भाई, जो पुरानी फाइलें वो ऑन पे बिक रही हैं, वो सिंपल तो नहीं बिक रही क्योंकि न्यू रेट्स हैं। वो सोसाइटी ने पहले 20% रिवाइज़ किए थे, फिर 10% रिवाइज़ किए हैं, तो इस वक्त जितनी बुकिंग्स हैं वो ऑन पे बिक रही हैं, ओल्ड बुकिंग्स। ये जितने ऑफिसेज आपको नजर आ रहे हैं ये मैनेजमेंट के लिए होंगे। यहाँ पे डेफिनेटली स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद का काम तेज़ी से हो रहा है लाहौर की नस्बत, क्योंकि लाहौर तो बिल्कुल भी स्टार्टअप पे ना, बिल्कुल निचले स्टेज पे है, लेकिन इस्लामाबाद का काम इससे काफ़ी ज़्यादा स्पीड से हो रहा है। वहाँ तो तकरीबन ओवरसीज़ वन में 7 ब्लॉक्स हैं जो रेडी कर दिए गए हैं, और यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल बेसिक्स में। यहाँ पर देखिए भी ऑफिस के सेटअप के लिए जो बेसिक काम होता है ना उस पर काम हो रहा है। वो पीछे वाली साइड पर जहाँ पर झंडे वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये मेन रोड है जो एक्सेस यहाँ से कनेक्ट करेगी, इस पॉइंट से कनेक्ट करेगी आगे भी, क्योंकि इसका प्रॉपर मैप नहीं आया। जब तक प्रॉपर मैप नहीं आता तो उसकी क्लियर लोकेशन का अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। ये जो रेलवे लाइन है उसके बिल्कुल साथ है, उधर रावलपिंडी रिंग रोड का अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल नहीं हुआ, बट जो उसके लेआउट प्लान है उसके मुताबिक कैपिटल स्मार्ट सिटी का उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कुछ भी उस पर वर्किंग स्टार्ट नहीं हुई ऑन ग्राउंड। या उसकी ऑन ग्राउंड अगर रियलिटी देखें तो ज़मीन पर भी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, पेपर्स पर सिर्फ। ये कुछ चल रहा साइड पे,
झूले ले रहे हैं मशीन पे। ब्रदर एक्सपेक्टेड डेट जब इसकी बैलेटिंग के आसपास आएगी तब इसकी एक्सपेक्टेड डेट होगी इसकी मैप की, तब लॉन्च करेंगे। फॉर द टाइम बिंग तो सिर्फ सोसाइटी बुकिंग कर रही है, जैसे फ्राइडे से 7 मरला एंड 12 मरला की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। फॉर द टाइम बिंग जो रेट्स हैं वो 2 दफ़ा रिवाइज हो चुके हैं, जो 5 मरला 10 मरला और कनाल के प्लॉट से। बाकी जो 7 मरला और 12 मरला के प्लॉट्स लॉन्च होंगे अभी फ्राइडे से, और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईद के बाद, ये जो कमिंग ईद है ईद उल फितर, उसके बाद के जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो लॉन्च होंगे और फिर बाकी कैटेगरीज के प्लॉट भी लॉन्च होंगे। मैं अभी लाहौर आया था इस्लामाबाद से, तो आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो ऑफ साइट कि साइट पर डेवलपमेंट क्या हो रही है। ये इस टाइम साइट का स्टेटस, ये जो ट्रक्स हैं अब्दुल भाई सही कह रहे हैं आप कि साइट पे भी काफ़ी ज़्यादा हैवी मशीनरी मूव कर दी गई है। इनफैक्ट अगर मैं जूम कर सकूँ यहाँ से तो, लेकिन खैर लाइव वीडियो में जूम नहीं हो रहा, वो आपको दूर काफ़ी हद तक मशीनरी का पूरा ग्रिप नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा मशीनरी, वो पीछे वाली साइड पे आपको जहाँ पे थैंक यू काश भाई, मेरा कोई एहसान नहीं ये साइट की डेवलपमेंट के बारे में बताना, क्योंकि जिन मेंबर्स की इन्वेस्टमेंट मेरे थ्रू हुई है डेफिनेटली उनका राइट बनता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट अपडेट ले सकें कि इस वक्त साइट का स्टेटस क्या है डेवलपमेंट का, तो वो डिज़र्व करते हैं, उनकी उनका राइट बनता है, ऑफिशियल राइट बनता है। इफेक्ट ये जो कुछ झंडे नज़र आ रहे हैं जहाँ पे, ये एक मेन रोड है और दूसरा जो मेन रोड है वो दूसरी तरफ है। लास्ट वीडियो में लाहौर स्मार्ट सिटी की बनाई थी तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं इनका क्या होगा, तो ये ट्रांसमिशन लाइन्स यहीं रहेंगी, इनको कोई अंडरग्राउंड नहीं किया जाएगा क्योंकि इसका सोसाइटी से साइट से कोई ताल्लुक नहीं है। इनफैक्ट इनका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो गम जो यहाँ पे नेबरहुड में या नेबर करीबी एरियाज़ में आबादी है उनके साथ है, तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली इसको जो मेन रोड के दरमियान में डिवाइडर होते हैं जो ग्रीन पार्ट होता है उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद की बैलेटिंग मोस्ट प्रॉब्ली इस साल के एंड तक कहीं हो जाएगी। फॉर द टाइम बीइंग उसकी बैलेटिंग के बारे में सोसाइटी ने कुछ ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं की। अगर आप वो पीछे रोड नज़र आ रहा है वो लाहौर बाईपास है, लाहौर ईस्टर्न बाईपास, और जहाँ से वो गाड़ी नज़र आ रही है गाड़ी के बिल्कुल बैक साइड पे काला शिकागो इंटरचेंज है। शिकागो टोल प्लाजा से उतरने के बाद आप लेफ्ट साइड पे जीटी रोड चलते हैं, तो इस वक्त आपकी यहाँ पे एक्सेस जो है वो एक काला शिकागो गाँव के दरमियान में से होती है, और दूसरी एक्सेस पॉइंट जो है उसकी मैं ड्रोन से वीडियो बना दूंगा बाद में, ये इस पॉइंट से है बट अभी तक वहाँ से कोई प्रॉपरली रास्ता नहीं बना हुआ। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है तो आप यहाँ से ईजिली आ सकते हैं, यहाँ से सोसाइटी के ऑफिशियल यहीं से विजिट करते हैं। ओवरसीज़ ब्लॉक की लोकेशन अभी अनाउंस नहीं हुई, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली अच्छी लोकेशन उसकी बनाएंगे क्योंकि ओवरसीज़ को हमेशा प्रेफरेंस मिलती है। न्यू प्राइस कब से स्टार्ट होगी अर्शद भाई? अर्शद भाई जो फर्स्ट प्राइस थी उसकी रिवीजन हो गई है, जो फॉर एग्जांपल 19 लाख वाला प्लॉट था ओवरसीज़ वन ओवरसीज़ का, और उसके बाद जो नेक्स्ट रिवीजन थी वो 2,28,000 की थी 22,80,000 पे, और जो थर्ड रिवीजन हुई है वो है 25 लाख पे, तो उनकी प्राइसेस रिवाइज हो चुकी हैं। अभी थर्ड जो प्राइस है उनकी बुकिंग मंडे से स्टार्ट होगी, सैटरडे लास्ट डेट था 22,80,000 वाली फाइल्स की बुकिंग का। इफ LDA अप्रूव्ड देन वाई बैलेटिंग? बैलेटिंग का मतलब ब्रदर प्लॉट नंबर अलॉटमेंट होता है, LDA का अप्रूवल और बैलेटिंग का आपस में कोई लिंक नहीं होता। प्लॉट नंबर लेट से किसी बंदे ने प्लॉट ले लिया, फाइल ले ली है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसका ब्लॉक कौन सा है, उसका प्लॉट नंबर क्या है या इस तरह की चीज़, तो उस तरह की चीज़ आपने लेट से किसी को प्लॉट की लोकेशन आपको LDA नहीं बताता। LDA सिर्फ सोसाइटी को NOC इशू करता है। NOC का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें जो भी सोसाइटी
अपने एक साइट की लैंड एक्वायर करती है, उसके बाद वो प्रॉपर उसका लेआउट प्लान तैयार करते हैं। प्रॉपर उसका एक लेआउट प्लान तैयार होने के बाद वो एलडीए में सबमिट होता है और शायद लैंड के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो एलडीए उसको वेरीफाई करता है कि एलडीए ने जो इन्होंने लैंड के पेपर्स जमा करवाए हैं आया वो ऑफिशियल है या वैसे फ्रॉड है। तो उसके बाद उसके लेआउट प्लान के मुताबिक उसका एनओसी इशू कर दिया जाता है, जिस तरह स्मार्ट सिटी को भी इशू हुआ है। 10 मरला का प्लॉट ब्रदर जो आमिर जका पूछ रहे हैं कि 10 मरला का प्लॉट ओवरसीज ब्लॉक फॉर द टाइमिंग जो उसकी बुकिंग है इस वक्त लॉन्च हो रही है, उसकी बुकिंग वो हो रही है 45 लाख रुपीज़ से। ओल्ड बुकिंग थी 34 लाख रुपीज़ की। ओल्ड बुकिंग्स आपको प्रॉफिट में मिल जाएंगी। नुमान वारसी कह रहे हैं कि 6 से 8 महीने बाद कोई फ्रेश बुकिंग के साथ कोई नया ब्लॉक आएगा। नुमान अभी कंफर्म नहीं है नए ब्लॉक के वाले से, क्योंकि फॉर द टाइमिंग प्लॉट के साइजेस के वाले से कंफर्म है कि पहले 5 मरला 10 मरला और कनाल के प्लॉट्स लॉन्च होंगे, हुए हैं इनफैक्ट, और उसके बाद फिर जो प्लॉट्स लॉन्च होंगे वो 7 मरला और 12 मरला जो इस फ्राइडे से लॉन्च हो रहे हैं। फिर छोटी ईद के बाद रमज़ान के बाद कमर्शियल लॉन्च होंगे 4 मरला और 8 मरला, और उसके बाद मे बी जो मास्टर प्लानर्स में फार्म हाउसेज कुछ गिवन है उनको लॉन्च किया जाए। उफरान भाई का सवाल है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लोकेशन ऑफ LSC एंड स्मार्ट सिटी। ओके, द बिगेस्ट डिफरेंस इज इट्स लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ पंजाब, दैट इज़ लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इससे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इसकी जो लोकेशन है ये चारों साइड से कवर्ड है। फॉर एग्जांपल ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ऑफिस की बिल्कुल बैक साइड पर रेलवे लाइन आपको नज़र आ रही है, इसकी बैक साइड पर GT रोड है, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपकी ईजी एक्सेस बनती है ग्रैंड ट्रंक रोड से नेशनल हाईवे 5। और इसके अलावा ये इस तरफ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मशीनरी आपको नज़र आ रही है, बैक साइड पे कुछ आपको एलिवेटेड एक रोड नज़र आ रही होगी, ये लाहौर ईस्टर्न बाईपास है जो आगे इस तरफ से रिंग रोड कनेक्ट करता है, जहाँ आपको वाइट कलर की बोर्ड या बिल्डिंग नज़र आ रही है, ट्रक्स नज़र आ रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से आपको रिंग रोड से कनेक्शन मिलता है। और जो ये वाली साइड है इस साइड से आपको सियालकोट से डायरेक्ट जो M11 मोटरवे है उससे एक्सेस मिलती है। ताहिर असलम पूछ रहे हैं कि आर दिस एरिया फ्लडेड। ब्रदर फ्लडेड अगर होता तो यहाँ पे इनफैक्ट अगर मैं दिखा सकूँ यहाँ पे फॉर द टाइमिंग, ये तो खैर कुछ छोटे से घर हैं, यहाँ पे थोड़ी सी आबादी है लेकिन इससे पीछे एक बहुत बड़ी आबादी गांव की है, उसके अलावा ये काला शकाकू के साथ जितना एरिया है यहाँ पर मैंने नहीं सुना आज तक कहीं सैलाब आया हो, तो फ्लडेड एरिया का यहाँ पर कोई ताल्लुक नहीं बनता। रावी के साथ जितना ही रावी जो है वो बेसिकली यूनिवर्सिटी बन रहा है वो इस तरफ है, ये जो ईस्टर्न बाईपास है इसकी बैक साइड पे स्मार्ट सिटी तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का फासला है, जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है न्यू रावी सिटी और न्यू लाहौर सिटी। और बाकी जो इस तरह वाला एरिया फ्लडेड होने का सच कोई मैंने किसी दिन सुना, अब खैर लोग अपने पास से कह लें तो और बात है। पोजेशन क्या मिलेगा? मोस्ट प्रोबेबली ब्रदर जिस तरह डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है इनिशियल फेजेज में है और आगे होपफुली विद इन अ ईयर सो यहाँ पे पहले जो प्लॉट्स होंगे जिनकी अर्ली बाइंग हुई है उनको पोजेशन मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं ट्राई करता हूँ आपको मेन रोड जाके दिखाऊँ लाइव, हम वॉक करते करते वहाँ तक जाते हैं। आमिर जका ओल्ड रेट्स पे 10 मरला अवेलेबिलिटी यस विद प्रॉफिट। शौकत हयात पूछ रहे हैं कि 5 मरला, सर मेरा क्वेश्चन रह गया गुरुजी पोजेशन का मिलेगा अबाउट ऑन प्री लॉन्च डेट्स। पोजेशन पर तो मैंने आपको बता दिया कि इसका मोस्ट प्रॉब्ली अभी एग्जैक्ट डेट अनाउंस नहीं हुई पोजेशन की, लेकिन बाय द एंड ऑफ 2021 और अर्ली 2022 एटलीस्ट यहाँ पे 2-3 ब्लॉक्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। अभी जितनी आप लैंड देख रहे हैं ये सारी लैंड जो ये बिल्कुल ना लेवल लैंड है, यहाँ पे कोई एलिवेशन का मसला नहीं। खैर वहाँ पे एक अच्छी बात है कि आपकी लैंडस्केप बड़ी अच्छी बनती है, बट वहाँ पे जो एलिवेशन है उसका नुकसान ये कि वहाँ पे डेवलपमेंट स्लो हो जाती है। यहाँ पे डेवलपमेंट स्लो होने का चांस है क्योंकि अभी जुमा इस चीज़ को जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है उसको 8-10 दिन हुए हैं, और अभी साइट पे आप देख सकते हैं कि इस तरफ ये जो ऑफिस है उस पर डेवलपमेंट का ये स्टेटस है, इस साइड पे ये ऑफिस जो ये GT रोड वाली साइड से आपको एक्सेस मिलती है, अगर आप GT रोड वाली साइड से आएँ तो ये आपको नियर बाय नज़र आता है। और 130 डीलर फ्रॉम ब्रदर इग्नोर करें क्योंकि जिसको ग्राउंड फैक्ट्स का नहीं पता वो कुछ भी कह सकता है, तो इट कुड बी एनीथिंग। मैं कुछ क्वेश्चनों पर मिस कर गया। कासिम गुरु जी आप एक काम कीजिएगा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, मैं जितने आंसर्स हैं आपको इन शाला कर दूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे डिफिकल्ट हो रही है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो मैं उसमें
फ्लड इन 2014। मतलब फ्लड अगर आया होता तो ये जितनी आबादी है यहाँ पे नज़दीकी है कालाशाकू में, तो एटलीस्ट ये आबादी यहाँ ना बैठी होती अगर फ्लड यहाँ आया होता। फ्लड यहाँ पे जाया था तो वहाँ पे डेफिनेटली लोग एक दो फ्लड आता तो आप लोग दूसरे से देखें या इस नेबरहुड में देखें, तो आपको जितनी आबादी नज़र आ रही है तो यहाँ पे फ्लड अगर आया तो यहाँ पे एक बंदा भी नज़र आपको ना आता। नेक्स्ट इज़